वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस मैं हूं गुफराना आज की क्लास में हम आईसी के मॉक टेस्ट वन के जो सोल्यूशन है वो सब डिस्कस करने वाले हैं आपने टेस्ट दिया था इसका तो उसके जो सोल्यूशन थे वो आज हम डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप हमारे प्ले लिस्ट पर अगर जाकर देखोगे तो प्ले पर आई की क्लासेज हैं कुछ थ्योरी क्लासेज हैं और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ है तो फ्रेंड्स आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पहले आप उन दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम आप मॉक टेस्ट देते रहिए जितने मॉक टेस्ट हमारी टीम करा रही है आपके सारे सब्जेक्ट्स के तो टाइम से ही आप उनको दीजिए तो इससे आपका ये वोल्यूशन हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितने आप मार्क्स गेन कर रहे हो ठीक है तो प्लीज़ टाइम से मॉक टेस्ट दे दे दीजिएगा और हमारे चैनल को और इस सबको आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए तो फ्रेंड्स आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए कि, कि कौन सा मॉक टेस्ट किस टाइम पर होगा और उसके लिए क्या प्रोसीजर है क्या आईडी है उसकी तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो जिसका जो लिंक है फ्रेंड्स वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ अपना शेयर करिए तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज को जो है मॉक टेस्ट वन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सारे सोल्यूशन जो friends, है मॉक टेस्ट वन के देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है एस एम पी एस इज़ बेटर फ्रॉम लीनियर पावर सप्लाई ड्यू टू एस एम पी एस रेखे बिजली आपूर्ति से बेहतर है क्योंकि देखिए नॉर्मल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ठीक है उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं एस एम पी एस का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड बेसिकली एस एम पी एस क्या होता है एस एम पी एस एम पी एस जो है ये डी सी पावर का सोर्स होता है ये कॉन्स्टेंट और स्मूथ डी सी देता है तो देखिए ऑप्शन क्या है ए नॉइस बी एफिशियंसी एंड रेगुलेशन सी साइज एंड एफिशियंसी एफ डी रेगुलेशन एंड नॉइस तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी इसको हम क्या करते हैं जो हमें डिज़ायरेबल हमें आउटपुट चाहिए होता है वो डिज़ायरेबल हमें देता है और उसमें कोई भी नॉइस वगैरह वेरिएशन नहीं होता है तो ठीक है तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी रेगुलेशन एंड नॉइस फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है फ्री व्हीलिंग डायोड फॉर आर एल लोड प्रोवाइड तो देखिए जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है आर एल लोड क्या क्या करता है वो तो आर एल लोड के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड क्या प्रदान करता है तो ऑप्शन ए है इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑप्शन बी है क्विक टर्न ऑन सी है क्विक टर्न ऑफ एफ स्लो डाउन स्लो टर्न ऑफ तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए कि क्या करता है अगर आप कहीं पर भी फ्री विलिंग डाइवर्ट लगा दोगे ठीक है ना तो आर्य लोड सर्किट में तो वो इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर को जो पावर फैक्टर है उसको सुधार करता है आपको पता है आइडियली पावर फैक्टर कितना होता है आइडियली पावर फैक्टर जो है वन होना चाहिए ठीक है बट वन नहीं होता है थोड़ा सा ये लैक करता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थ्री, अगर आपने हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट से अगर आईसी क्लासेस तो कवर कर दिए तो ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वहां पर सारी चीजें कवर कराई गई हैं तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ये क्या करता है ये जो पूरी डिवाइस की वोल्टेज है उसको जीरो कर देता है नेचुरल कम्यूटेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है वो ए पावर सप्लाई में होता है अगर जहाँ पर हमारी ए पावर सप्लाई अगर दी जा रही है फिर ए डिवाइस है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ए सी अटरनेटिव करंट होती है वो एक टाइम पे ऑन एक टाइम पे ऑफ होती है जो इस टाइम पीरियड पे जो होता है वो नेचुरली ऑफ हो जाता है तो नेचुरल कम्यूटेशन हमेशा कहाँ होता है वो ए डिवाइस के थ्रू ही होता है अदरवाइज डी सी में नेचुरल कम्यूटेशन नहीं होता है ठीक है फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ दिस विल नॉट परमानेंटली डैमेज द एस इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्या करती है वो एस को स्थाई रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है ऑप्शन ए है हाई करंट ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर ऑप्शन सी है हाई डी आई वी ओवर डी टी मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है वोल्टेज चेंज हो रहा है ऑप्शन डी है हाई डी आई ओवर डी टी मतलब करंट करंट जो है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही है इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाई डी ओवर डीटी तो अगर आप ओवर वेरिएशन कर रहे हैं तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये क्वेश्चन नंबर फाइव द ओवर करंट इज प्रोटेक्टेड बाय तो थायरिस्टर को जो ओवर करंट से कौन बचाता है ऑप्शन ए है डी आई ओवर डी टी या फिर ऑप्शन बी हीट सिंक ऑप्शन सी स्नबर सर्किट या फिर डी सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज जो हैं वो इसको ओवर प्रोटेक्टेड करता है और इसको बचाता है ओवर करंट से देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स अ पावर सेमी कंडक्टर कैन बी डैमेज बाय जो पावर सेमी कंडक्टर होता है वो किस तरीके से किस वजह से डैमेज होता है ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज हाई डी आई ओवर डी टी की वजह से या फिर लो डी वी ओवर डी टी हाई डी वी ओवर डी टी या फिर लो डी वी ओवर डी टी तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाई डी आई ओ डी टी तो अगर फ्रेंड्स अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है वेरी कर रही है पावर सम डिवाइस तो वो क्या हो सकती है वो डैमेज हो सकती है क्वेश्चन नंबर सेवन इन नॉर्मल एस सी आर देन टर्न ऑन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टर्न ऑफ टाइम इज़ तो आपको बताना है कि जो नॉर्मल एस सी आर होते हैं उसमें टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो टर्न ऑन टाइम की तुलना में क्या होता है ऑप्शन ए है मोर ऑप्शन बी है लेस ऑप्शन सी है हाफ या फिर वन थर्ड तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेस तो आप याद रखिएगा कि जो ऐसे का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो टर्न ऑन टाइम की तुलना में काफ़ी कम होता है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है इन आर एस इन आर थायरेस्टर एनोड इज कम्पोज ऑफ तो थायरस्टर में एनोड जो है अरोन किससे बनता है खाली इलेक्ट्रॉन से बनता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स या फिर बी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स या फिर सी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या फिर होल्स, 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 होल्स एंड ओनली तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो करंट बनता है वो एनोड करंट होल और मै इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से ही बनता है क्वेश्चन नंबर नाइन ट्रैक कैन बी कंसीडर एज अ तो ट्रैक को किस तरीके से के रूप में माना जाता है ऑप्शन ए है अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू एस सी आर डिफरेंट गेट्स मतलब दो एस सी आर जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं उनके गेट जो हैं वो अलग अलग हैं उनके गेट अलग अलग हैं और दो पैरलर में एस लगे हुए हैं ऑप्शन बी है पैरल कनेक्शन ऑफ टू कॉमन गेट मतलब दो जो एस सी आर है वो पैरलर में लगे हुए हैं और जो गेट टर्मिनल है वो उनका दोनों का कॉमन है ऑप्शन सी एंटी पैरलर कनेक्शन ऑफ टू एस सी आर विध डिफरेंट गेट मतलब कि जो एंटी पैरल में एस सी आर लगे हुए हैं और उनके गेट भी क्या है डिफरेंट हैं ऑप्शन डी एंटी पैरल कनेक्शन ऑफ टू एस सी आर विध कॉमन गेट मतलब कि दो गेटों के साथ साथ जो हैं वो गेट जो है कॉमन है बट एंटी पैर में लगे हुए हैं वो बट उनका जो गेट है वो कॉमन है तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी तो इसका आंसर हो गया है आपका डी के उसमें क्या होता है दो एंटी पैर कनेक्शन होते हैं एस आर के और उसके साथ जो गेट होता है वो कॉमन होता है दोनों में ठीक है तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है ओ ई फाइव जीरो सिक्स इज़ आ तो देखिए मार्केट में जो आपको डिवाइसेस मिलती हैं तो आप अगर वहाँ जाकर उनकी एक कोड होता है आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि क्या आपको चाहिए तो जो मार्केट में जो अवेलेबल होता है ओ ई फाइव ज़ीरो सिक्स के नाम से क्या मिलता है मार्केट में तो यू जे टी है या फिर एस सी आर है बीजे टी या फिर डायोड तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन बी एस सी आर तो आप याद रखिएगा ओ ई फाइव ज़ीरो सिक्स जो है क्या है ओ ई फाइव ज़ीरो सिक्स जो है वो एक एस सी आर है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन है द डायक ट्रायक पेयर इज नोन एस मतलब डायक और ट्रायक की जोड़ी के रूप में जाना जाता है तो अगर डायक और ट्रायक को आप अगर मिला दोगे तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए है यू ऑप्शन बी है एस सी एस ऑप्शन सी एस यू एस या फिर क्वाड्रेक तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी क्वाड्रेक ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पल्स फॉर गेट ट्रिगरिंग आर कॉमनली प्रोड्यूसड यूजिंग तो मतलब जो गेट ट्रिगरिंग के लिए पल्स आमतौर पर उत्पादित करता है जो गेट ट्रिगरिंग सर्किट होता है जो गेट किससे क्या होता है ट्रिगर होता है टर्न ऑन होता है तो उसके लिए पल्स कैसे तरीके से जनरेट की जाती है प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं ऑप्शन ए है टनल डायोड ऑसिटर ऑप्शन बी है यू जे टी एड ऑप्शन सी है गन डायोड ऑसिलेटर या फिर वेनब्रिज ऑसिटर तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यू रिलैक्सेशन ऑसिलेटर तो आप अगर कभी भी आपको अगर किसी भी आ, कोई एस है कोई थारिस्टर है तो उसको गेट ट्रिगरिंग देनी है तो उसके लिए जो पल्स जनरेट करोगे आप वो आप किससे करोगे यू रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के थ्रू पल्स जनरेट की जाती है फिर वो एस को दे दी जाती है और फिर उसके बाद एस जो है वो फायरिंग एंगल के ऊपर टर्न ऑन हो जाता है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर ऑफ अ थायरेस्टर तो थैरेस्टर का वोल्टेज सुरक्षा कारक क्या है ऑप्शन ए है आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन अंडर रूट टू एक्स पीक इनवर्स वोल्टेज ऑप्शन बी अंडर रूट टू एक्स पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर ऑप्शन सी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई विद आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर ऑप्शन डी पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन टू मल्टीप्लाई विद आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी तो आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको वोल्टेज फैक्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो रहेगा पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन अंडर उन्टू आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच ऑफ दिस इज़ अ फ्रिकुवेंसी कन्वर्टर तो इनमें से बताना है कि आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है तो ऑप्शन ए है एस सी आर ऑप्शन बी है रेक्टिफायर ऑप्शन सी है साइक्लो कन्वर्टर या फिर ऑप्शन डी है चॉपर तो पता है आपको कि इसमें कौन सा है फ्रीकुन्सी कन्वर्टर की अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है इसमें फ्रेंड सी साइक्लो कन्वर्टर तो साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या हो साइक्लो कन्वर्टर जो है वो इट्स जस्ट अ फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर एस सी आर सिलीकॉन कंट्रोल रैक्टिफायर है रेक्टिफायर का बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पर ए सी को डी सी में चेंज करना ठीक है यही सेम काम कौन करता है एस सी जो करता है बट एस लिए यूज जो करता है चॉपर का क्या करता है ठीक है तो अब देखते हैं इफ अ डीसी चॉपर रिमेन्स ऑन फॉर ट्वेंटी माइक्रोसेकेंड एंड ऑफ फॉर फाइव देन इट्स ड्यूटी साइकिल एंड अ फ्रिक्वेंसी इज तो यदि एक डीसी चॉपर ट्वेंटी माइक्रो सेकंड के लिए चालू रहता है मतलब ऑन रहता है और फाइव माइक्रो सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है तो ड्यूटी साइकिल क्या होगी तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस ले रखी है तो मैंने आपको वहाँ फॉर्मला लिखाया था कि ड्यूटी साइकिल को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो फ्रेंड्स ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू होता है टी ऑन टाइम अपॉन टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम ठीक है तो क्वेश्चन आप देखिए टी ऑन टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है आपको आपको यहाँ पे टी ऑन टाइम दे रखा है फ्रेंड्स ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड तो बस यहाँ पे आप ट्वेंटी लिख दीजिए ठीक है ना तो माइक्रो सेकंड जो है वो कट जाएगा नीचे कॉमन होकर के तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर ट्वेंटी अगर नीचे की हम बात करें तो टी ऑन है ट्वेंटी प्लस फाइव तो ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन फाइव तो ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव कितना होता है फोर अपॉन फाइव फ्रेंड्स तो अगर फोर फ्रैक्शन को आप अगर परसेंटेज में लिखोगे तो फोर फाइव कितना होता है तो फोर होता है फ्रेंड्स ठीक है आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू होता है टी ऑन टाइम अपॉन टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम तो टी ऑन टाइम की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी ट्वेंटी ठीक है यहाँ से ट्वेंटी ऑन टाइम ये है ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन टाइम यह है ट्वेंटी और यह है टी ऑफ टाइम फाइव तो ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव होता है फोर अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव को जब आप परसेंटेज में लिखोगे तो वो होता है एटी परसेंट ठीक है तो एट्टी परसेंट देखिए में आ गया तो आपका ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया और ऑप्शन सी भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया तो अब बच्चे हैं बी और सी तो फ्रेंड्स अभी हमें इसका किलो किलोहर्ट्स निकालनी है फ्रिक्वेंसी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है तो अब तो प्लीज़ आप देखते रहिए मैं आपको भी सॉल्व कर रही हूँ इसको तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताने की फ्रिक्वेंसी कितनी है तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ ठीक है तो एफ इज इक्वल टू है वन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ तो बताइए टी ऑन कितना दे रखा है यहाँ पर एफ इज इक्वल टू टी ऑन दे रखा है आपको यहाँ पे ट्वेंटी माइक्रो सकेंड्स और प्लस फाइव दे रखा है ठीक है ना माइक्रोसेकेंड्स तो मैंने यहाँ माइक्रोसेकेंड्स लिख दिया है तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट ट्वेंटी फ़ाइव तो फ्रेंड्स अगर आप वन अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव को अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा वो वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव अगर आप निकालोगे तो ज़ीरो पॉइंट फोर आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ोर ठीक है ना तो अब आप इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये फोर्टी परसेंट हो जाएगा आपको पता चल गया क्या कि फोर्टी परसेंट कहाँ है तो डी इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ठीक है एट्टी परसेंट और फोर्टी किलो हर्ट्स तो किलो हर्ट्स की वही होती है तो माइक्रो सेकेंड्स हैं ऊपर जाएंगे तो किलो हर्ट्स करके आप इसको कर सकते हो देखते क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है द प्रोसेस ऑफ डीसी टू एसी कन्वर्जन इज कॉल्ड अगर आपको कहीं डी को ए में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए है इन्वर्जन ऑप्शन बी है रेक्टिफिकेशन ऑप्शन सी है रोटेशन या फिर ऑप्शन डी एम्पलीफिकेशन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन्वर्जन तो आप याद रखिएगा कि कभी भी हमें क्या करना होता है डीसी को ए में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सेल्फ कम्पिटेशन इज़ यूज इन कि जहाँ पे हम सेल्फ कम्पिटेशन का यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है उसका या फिर इन्वर्टर्स में डी सी चॉपर में या फिर रेजोनेट सर्किट में तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डी सी चॉपर में तो आप याद रखिए सेल्फ कम्बेशन का जो यूज़ होता है वो डी सी चॉपर में किया जाता है तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन नंबर एटीन है आ स्विच विच डज़ नॉट हैव मूविंग पार्ट्स तो ऐसा कौन सा स्विच है कि जिसमें जो है गतिमान भाग नहीं होता है तो ऑप्शन ए है डायनामिक स्विच ऑप्शन बी है स्टैटिक स्विच ऑप्शन सी है होल्डिंग स्विच या फिर लैगिंग स्विच तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी स्टैटिक स्विच तो फ्रेंड्स स्टैटिक स्विच में क्या होता है कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है टू एंड टू सिक्स फोर सिक्स एंड टू एन टू सिक्स फोर सेवन ऑल द टाइप नंबर ऑफ तो ये किसके टाइप हैं तो ऑप्शन ए है एस सी आर ऑप्शन बी है डायक ऑप्शन सी है ट्रायक इसको जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है यू तो आप याद रखिएगा कि टू एन टू सिक्स फोर सिक्स और टू एन टू सिक्स फोर सेवन जो है ये यू जी टी के टाइप्स है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट ऑफ यू जी टी करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड तो आपको बताना यू जी टी विशेषताओं के शिखर बिंदु और घाटी बिंदु के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है तो इसको क्या है? बोलते हैं एक्टिव रीजन बोलते हैं कट ऑफ रीजन बोलते हैं सैचुरेशन या निगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आप याद रखिएगा कि जो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है या बीच बीच के पॉइंट का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है द वैल्यू ऑफ इंट्रेंसिक स्टैंडर्ड ऑफ रेशियो ऑफ आई यू जी टीज तो बताना कि यू जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं गतिरोध अनुपात क्या होता है तो ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट टू ऑप्शन बी है ज़ीरो पॉइंट फोर ऑप्शन सी है जीरो पॉइंट सिक्स या फिर ऑप्शन डी जीरो पॉइंट नाइन तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जीरो पॉइंट सिक्स आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले वो कि द वैल्यू ऑफ इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ जो यूजीटी की होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द थायरस्टर इज कॉल्ड तो थायर स्टा का जो टर्न ऑन का टाइम होता है उसे क्या कहते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास से ज़रूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा ऑप्शन ए है ट्रिगरिंग ऑप्शन बी है फायरिंग ऑप्शन सी है कम्यूटेशन या फिर गेटिंग तो आपको पता है टर्न ऑन टाइम को क्या बोलते हैं ट्रिगरिंग ठीक है टर्न ऑन करना मतलब ट्रिगर कर देना तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है नंबर ऑफ टर्मिनल इन यू मतलब यू में कितने टर्मिनल होते हैं ऑप्शन ए है टू ऑप्शन बी है थ्री ऑप्शन सी है फोर या फिर फाइव तो फ्रेंड्स यू में जो है वो तीन टर्मिनल होते हैं तो ठीक है याद रखिएगा यू में कितने टर्मिनल होते हैं तीन टर्मिनल होते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ़ टर्मिनल इन ट्रायक ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं ऑप्शन ए है टू ऑप्शन बी है थ्री फोर या फिर फाइव तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स बी उसमें जो है तीन टर्मिनल होते हैं तो अगर हम बात करें ट्रायक की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एंड लास्ट क्वेश्चन तो नंबर ऑफ़ ट्रायक टर्मिनल इन डायरेक्ट टू थ्री फोर फाइव तो इसको जो आंसर है फ्रेंड्स वो है टू तो इसका जो आंसर है वो है टू तो आप याद रखिए डायरेक्ट में जो हैं वो दो टर्मिनल होते हैं ट्रैक में तीन टर्मिनल होते हैं ठीक है एस में भी तीन टर्मिनल होते हैं चलिए ठीक है थैंक यू